हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आप सभी का स्वागत है। तो कोरोना आपकी ज़िंदगी में क्या असर डाल सकता है, ये आप सभी ने ज़रूर देखा होगा। कोरोना ने कई फैमिलीज़ को प्रभावित किया है। इससे सुधीर चौधरी भी अछूते नहीं रहे हैं। जी हाँ, सीनियर जर्नलिस्ट और जी टीवी के एंकर सुधीर चौधरी भी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। हॉस्पिटल में कुछ हफ्ते बिताने के बाद फाइनली वो घर वापस आ गए, लेकिन अभी तक पूरी तरह से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सुधीर चौधरी को कोरोना पॉजिटिव ने कितना प्रभावित किया, इसका अंदाज़ा आप आज की हमारी इस वीडियो से लगा सकते हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसमें वे कोरोना से पहले की एक वीडियो है और दूसरी कोरोना के बाद की वीडियो है। दोनों में फ़र्क देख के आप खुद ही समझ जाएंगे कि सुधीर चौधरी भी कोरोना से कितने प्रभावित हुए। इस वीडियो को एक बार आप खुद ही देख लें। अब कोरोना वायरस का संकट आया है। हमारे परिवार भी ये चाहते हैं कि हम घर पर रहें। उन्हें हमारे स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंता रहती है। हमें उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार फिक्र होती है जब हम बाहर होते हैं, अपने काम पर होते हैं। लेकिन इस संकट के दौरान भी हमारी पहली प्राथमिकता आप हैं, और इसलिए खतरे के बावजूद हम हर रोज अपने काम पर आते हैं। हमारी जितनी भी टीम है, हजारों लोगों की हमारी टीम है, उनमें सब लोग ये जानते हैं कि रोज काम पर आने का मतलब यह है कि एक ना एक दिन उन्हें भी कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है, और यह तय है कि होगा भी। लेकिन इसके बावजूद भी सब लोग काम पर आ रहे हैं। कर्तव्य अपने साथ चुनौतियां लेकर आता है, और अपना कर्तव्य निभाते निभाते जी न्यूज के न्यूज रूम का एक एक सदस्य भी कोरोना वायरस का अगर शिकार हो भी गया तो भी वो लगातार काम करता है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपको कोई पहले नोटिस नहीं दे पाया कि आज आपसे बात होगी। बस अचानक अभी मन हुआ कि आपसे बात की जाए, क्योंकि मुझे यकीन था कि आप सब लोग अपने अपने घरों पर होंगे, और ये जो लॉकडाउन है इसको लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों से हालचाल पूछ लूँ, क्योंकि अब कई दिन हो गए आप अपने घरों में होंगे, और आपसे ये गुजारिश भी करूँ कि आप फिलहाल अपने घर में ही रहें। तो जीवन की ये जो नई पद्धति है, जो इस जो कोरोना वायरस आपको सिखा रहा है, इस नई पद्धति को अपनाने की कोशिश कीजिए। तो इस नए युग में देखिए, दुश्मन भी बदल गए हैं। अब दुश्मन किसी दुश्मन देश की सेना नहीं है। अब दुश्मन कोई आतंकवादी नहीं है। अब दुश्मन कोई इंसान नहीं है। अब दुश्मन है एक वायरस, और वो वायरस ऐसा है कि उसने आपको अपने अपने घरों में कैद कर दिया है। आपकी आजादी उस वायरस ने छीन ली है।